हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज देखने वाले राउटर GMR 550, वाईफाई डोंगल जियो फाई कैसे कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, मोबाइल से, और उसका रिव्यू देखने वाले हैं। तो ये अपने को परचेस करना है तो अपन वेबसाइट से या किसी रिलायंस के मिनी स्टोर से आप बाय कर सकते हैं। इसका रेंज 2000 से 2500 तक मिल जाता है। ये अभी उसका रिव्यू देखने वाले। ये है डिवाइस है, उसके साथ आपको एक चार्जर मिलेगा, USB 3 टाइप केबल मिलेगा और बैटरी मिलेगा। बैटरी का बैकअप अच्छा है, ये देखो ये बैटरी है उसका 8 से 10 आवर्स इसका बैकअप मिलता है। अभी जियो का डोंगल का डिमांड लॉकडाउन की वजह से बढ़ गया है वर्क फ्रॉम होम के लिए, और ये अच्छा खासा आपको अपलोड और डाउनलोड दोनों स्पीड दे देता है। तो उसके अलावा इसका जो फिनिशिंग है आप देख सकते हैं, अच्छा मस्त फिनिशिंग दिया है। इसका एक ड्रॉबैक ये है, इसका जो चार्जर का कनेक्टर है ये बी टाइप है थोड़ा, तो केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। ये देखो, चलो तो कनेक्ट करके देखते हैं। पहले तो एक सिम लगेगा, जियो का सिम लगेगा। आपके पास जियो का सिम है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको बाय करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ मैंने एक सिम इंसर्ट किया है, जियो का सिम लगा के लिया हो। और ये साइड जो है ये इधर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ISID का जो मॉडल का नंबर है, इसका पासवर्ड, ये पासवर्ड ज़रूरी है। ये पासवर्ड आपको कनेक्ट करते टाइम लगेगा, डालना पड़ेगा। तो अभी ये सिम लगा के लिए है, सिम केयरफुली से लगा लो। इसके बाद इसमें बैटरी इंसर्ट करना है। मैं बैटरी लगा लिया हूँ, ये कवर है, चारों बाजू से प्रेस कर लो तो वो फिट हो जाता है। बाजू में दो बटन दिया है इसके, ये देखो, एक WPS का है और ये है पावर बटन। ये भी कुछ सेकंड प्रेस करके रखते, अभी ये चालू हो गया। इसका बैटरी अभी रेड दिख रहा है, मीन्स फुल्ली चार्ज नहीं है, बैटरी चार्ज करवाना पड़ेगा। और सिग्नल भी रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये सिग्नल अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है अच्छी तरह से। वाईफाई ब्लू आ गया और रेंज भी आ गया। तो ये इसका जो डाउनलोड अपलोड स्पीड है ये रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक एरिया में रेंज का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग रहता है। बैटरी रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये बैटरी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। और अभी ये डिवाइस तो चालू हो गया, रेंज भी आ गया है और वाईफाई का सिग्नल भी दिख रहा है पूरी तरह से। तो अभी ये मोबाइल में कैसे भी कनेक्ट करते हैं वो देखने वाले हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में वाईफाई में जाना पड़ेगा। वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। वाईफाई ऑन करने के बाद ये देखो, मैं अभी यहाँ इंसर्ट करके रखा है इसलिए आ गया है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ है। यह पासवर्ड आके आपको ये मॉडल
कनेक्ट करना है। जो पासवर्ड हमने अंदर जो डिवाइस में देखा था ये यहाँ डालना है। इसी तरह से आपका यही डोंगल अभी कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करना है वो देखते हैं। अभी ये इधर ये देखो, इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, ग्रीन दिख रहा है वाईफाई, और ब्लू मीन्स ये नॉर्मल है रेंज, बैटरी थोड़ा कम है इसलिए रेड रेड दिख रहा है। चलो तो कंप्यूटर कैसे कनेक्ट करना है वो देखते हैं। आप इसके अलावा हम देखने वाले हैं इसका स्पीड डाउनलोड अपलोड का कितना है, कैसे चेक करना है। तो अभी देखो यहाँ कंप्यूटर के कॉर्नर में आपको इंटरनेट एक्सेस का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो बहुत सारा जो सर्चेबल नियर बाय जो भी वाईफाई है या कनेक्ट इंटरनेट कनेक्ट है वो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें ये देखो जियो जियो 5G आ गए हैं, तो इस पर क्लिक करना है। अभी इस पर क्लिक करने के बाद वो जो डिवाइस में जो पासवर्ड है वो यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, इंटर करवाना है कनेक्ट करने के लिए। तो मैं अभी वो पासवर्ड जो था वो डाल रहा हूँ यहाँ सी। और सिंपल सा नेक्स्ट करना है और ये देखो यस करना है। ये वाईफाई डोंगल यहाँ का जियो का कनेक्ट हो चुका है। तो अभी देखते हैं नेट में इंटरनेट एक्सप्लोर मोजिला में जाके देखते हैं यहाँ आ गए क्या। ये कनेक्ट हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पे और यहाँ यहाँ जाएंगे स्पीड टेस्ट करने के लिए। स्पीड टेस्ट बाय ओकला पे क्लिक करना है, उसके बाद ये देखो गो पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड का स्पीड दिखा रहा है, अभी मैंने ये यूज़ किया है इसलिए कम हुआ रहेगा। इसका स्पीड डाउनलोड का स्पीड मिला 1 Mbps, आपका अलग मिल सकता है 10 Mbps, जैसा प्लान रहेगा उसी हिसाब से। नेटवर्क पे भी वो डिपेंड रहता है कितना स्पीड। अभी अपलोड का स्पीड मुझे बहुत कम मिल रहा है, ये देखो अपलोड का स्पीड अच्छा होना चाहिए 0.48। इस तरह से आपका जो ये जियो का डोंगल का स्पीड आप चेक कर सकते हो कि डाउनलोड का स्पीड कितना दे रहा है और अपलोड का स्पीड कितना मिल रहा है। इसके हिसाब से आपको आपका राउटर का स्पीड चेक करना है।